तो एक सवाल बहन जी को देना पड़ेगा। हालांकि वैसे भी हम छोटे हैं तो बड़ी बहन से सवाल तो कर ही सकते हैं। और क्या बेटा, खुली छूट है। दुविधा तो आज आपको है, ये छोटी बहन से सवाल करोगी। हाँ आदनिया हमारी दीदी जी, चूंकि जवाबी है तो पहला चक्र मेरी ओर से और पहला सवाल मेरी ओर से आपके लिए है। क्या बात है। हेलो 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 हाँ तो खांसी लग रही है। ये आदरणीय श्री वज्रंग बहादुर सिंह जी उर्फ बउआ फौजी जी, संरक्षक नव दुर्गा पूजा सेरापुर, आपके कर कमलों से ये एक श्वेत पद मुद्राएं भेंट हुई हैं। और आदरणीय ये बुलबुल सिंह जी राजी गांव से, आपके कर कमलों से 201 पद मुद्राएं हैं। भैया को सभी दानदाताओं को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, स्वागत है। हेलो 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 ऊपर की आवाज कम आ पा रही है, कम कर दो ऊपर की आवाज आने। हेलो हेलो आदनिया दीदी जी, पहला गीत आपके लिए हो सकता। विडम्बना है क्या बताओ, हम लोगों को सबसे पहले फिल्मी तर्ज गानी पड़ती है। और क्या, पहले फिल्मी इसके बाद इल्मी। तो दीदी जी फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं क्या बता कि हम तो हालांकि कोई कमी नहीं छोड़ी है आप लोगों ने प्रेम स्नेह देने में, सुबह से आए हैं, बाकी कुछ बचा नहीं है। आदरणीय दीदी जी सुनिएगा, सुनिए। हम तो दिल सिंह जी एडवोकेट अधिवक्ता भवन सिविल कोर्ट रायबरेली, आपके करकमलों से 101 पद मुद्राएं प्रदान हुई हैं। धन्यवाद है, नमन है मेरी ओर से। आदरणीय श्री राजेश सिंह जी
उर्फ कल्लू सिंह प्रधान शरफपुर से आपके कर कमलों से 201 पद मधुराए हैं। माननीय प्रधान जी को हृदय से प्रणाम है। और आदर्शी अमरपाल सिंह जी प्रवक्ता वैश्वारा इंटर कॉलेज लालगंज आपके कर कमलों से 101 पद मधुराए हैं। भैया को नमन है मेरी ओर से। आदर्शी कमल किशोर उर्फ पूजी पांडे जी मुसाफर होटल आपके कर कमलों से 101 पद मधुराए हैं। भैया को धन्यवाद है। आदरणीय दीदी जी ये तो तर्ज है, गीत सुनिएगा। सुनिए। एक असुर जिसका नाम है अष्टासुर, अष्टासुर अष्टक अपनी सभा लगाए बैठे है। सभा में बैठा है, कह रहा कि हमने सबको जीत लिया है, सबको, कोई कोई नहीं बचा, हार गया, सब हार गए हैं मुझसे, सब हार गए। बोले हाँ, कोई नहीं बचा। बोले नहीं, कौन कौन हार गया? सुनिए बहन जी, सुनिए। वो असुर कह रहा है क्या कि ये धरा की बात हो क्या? ओ भाई काफी मेहनत करते हो। बहुत असुर कह रहा है क्या धरा की बात हो क्या? नहीं ये की क्यों क्यों भुवन सब जीत लिए अभी है ओम बाकी। क्यों बहन जी? वो असुर कह रहा है क्या ब्रह्मा विष्णु विहारे हार संकल समर में अभी तक क्यों ना किसी ने दे दिया तो अगर पता मिल गया तो करूंगा क्या? क्या सोचना जो भी देगा उसे उपहार दूंगा। और अगर ओम आ गया मेरे सामने तो सामना हो गया तो पल में संघार दूंगा। क्यों क्यों बहन जी सुनिए, यह किसम पूरा हुआ Thank you.
राम लखन त्रिवेदी जी मनके गांव से, आदरणीय राम लखन त्रिवेदी जी आपके कर कमलों से ये 501 पद मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हृदय से नमन है। आदरणीय जय माँ कालका नव युवक कमेटी मलके गांव से 251 पद मुद्राएं आपने प्रदान की हैं। नमन है मेरी ओर से। आदरणीय मोहन सिंह जी बीमा एजेंट गेगासो क्रॉसिंग आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। सुनिएगा सुनिए जब उसने ओम की तपस्या की तो निराकार ओम साकार रूप में आ गया। आदरणीय दीदी जी, जब साकार रूप में आ गया तो किया क्या उसने? चलाया पान उसने, हुए रंगीन टुकड़े, देखते सभी देवता ओम के तीन टुकड़े, अकार उकार मकार, क्या बात है, तीन टुकड़े हो गए। लेकिन 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 दीदी, तीन टुकड़ों से क्या हुआ? क्या हुआ? तीन ही टुकड़ों से जाना, शक्तियां तीन प्रगति, भयंकर रूप धारे देवियां तीन प्रगति। अब तीन देवियां कर क्या रही है? क्या पड़े धरती के ऊपर, पड़े धरती के ऊपर लगी वो बीन टुकड़े, देवियों ने असुर के कर दिए तीन टुकड़े। उस असुर को तीनों देवियों ने संहार दिया तो सारे सुर चढ़ो पधारे। सदस्यों की तरफ से, समिति की तरफ से 101 पद मुद्राएं भाई मुकेश जी के लिए हैं। क्या बात है मुकेश, तुम्हारी भी बहनी हो गई बेटा। अरे 101 मेरे लिए प्रदान हुए थे, नमन कर रही हूँ। नव दुर्गा पूजा समिति मुजफ्फरपुर आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। सुनिएगा सुनिए आदरणीय दीदी जी, सारे सुर Thank you.
लेकिन ये बताओ हम रहेंगे कहाँ? सुनिएगा, कहाँ उन देवियों ने कहाँ निज मान होगा, बताओ हम तीन कहाँ स्थान होगा। तीनों के लिए कोई जगह तो होने चाहिए, कहाँ रहेंगे प्रभु? तीनों देवियों को तीन स्थान दिए, कौन कौन? एक पाताल है पहुंची, एक स्थित धरा पर, एक पहुंची गगन में प्रसन्न हो सुधार। महागौरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, बहन जी, तीनों तीनों देवियों के तीन स्थान है, सुनेगा सुने। कहे यो कल्पना है कि पुण्य का बिलो बाकी, भुवन सब भुवन सब जीत लिए अभी है ओ। कल्पना जी ने कहा, वैसे तो आप बड़ी हैं, लेकिन पहला गीत प्रश्नवाचक गीत आपके लिए आ रहा है, और मेरा धर्म है आपसे प्रश्न कर भी सकते हैं। बिल्कुल सकते हैं बेटा, कर सकते हो, आपका हक है, आपका धर्म है, लेकिन समस्या है अगर हम जवाब ना दे पाए तो केस मत करना, बस क्योंकि आप छोटी हैं और आप सक्षम भी हैं, सक्षम है, लेकिन आइए, ये तो सवाल जवाब लड़ाई वाली नहीं है कोई। हाँ बिल्कुल, दीदी तुमने चार रोटी खाई, हमने दो खाई, यहाँ पर तुमको इतना पैसा मिला, हमको इतना, ऐसी तो लड़ाई नहीं होगी। हाँ, सवाल जवाब यानी कीर्तन के रूप में आप लोग सुनेंगे, उसमें आपको आनंद मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। गीत आप लोगों ने सुना है, बहुत सुंदर सी तर्ज हमारी छोटी बहन कल्पना जी ने दी है, आइए मैं भी प्रयास करती हूँ कि शायद कहीं से जवाब बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, दर्ज गाई है, मैं भी प्रयास करती हूँ, और जो ये पुरस्कार आ रहे हैं इसके लिए मैं निवेदन करूंगी आप लोग देते रहें। हाँ, उसमें कंजूसी ना करिएगा। बोले जाएंगे, लेकिन अब जो नियम है, यानी जब जवाब पूरा हो जाएगा, गीत पूरा हो जाएगा, यानी चक्र समापन की होगा, तब लास्ट में हम आपका जो पुरस्कार आएगा उसको भूल देंगे, क्योंकि बीच में बड़े व्यवधान आ जाते हैं, गीत समझ में नहीं आता। बिल्कुल, इसलिए आइए, पुरस्कार जो आएगा वो बोलेंगे। We'll be right back.
में बन गई हूँ, सुबह आप मजबूर हो जाएंगी माइक से कहने में, मजबूर हो जाएंगी, बाकी नहीं पूरा हो जाएगा आज की रात्रि। ऐसा प्रेम, इतना सम्मान, कितना स्नेह आपको हमारी इस कमेटी से मिलेगा आपको, इसलिए कहना भैया जी, क्यों मैं भैया सही है ना, इसलिए कहना है। अरे थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। दिया है अपने गीत में बहुत बढ़िया सी बात आई है। अरे भुवन सब जीत लिए हैं, अभी है व्योम में बाकी, व्योम बाकी, फिर ज्ञान सब पूर्ण हुए, यज्ञ सब पूर्ण हुए हैं, ओम का होम बाकी, कहे कल्पना है पुण्य का विलोम बाकी, बाकी बाकी बाकी। अरुणिया कल्पना जी मंथन करिएगा, प्रबुद्ध जनमानस यहाँ पर एकत्रित है, ओम का कभी होम हो सकता है भैया जी? ओम का कभी होम हो सकता है? क्यों? क्योंकि ओम की उत्पत्ति कहां से हुई है? जो स्वयं अजर अमर अविनाशी कहलाए हैं, और जब उनसे ओम की उत्पत्ति हुई है, तो भैया जी केवल प्रयास कर रही हूँ, बिल्कुल आप करिए बाकी, लेकिन मेरी ओर से जवाब सुनिएगा। जय हो, जय हो। प्रयास कर रही हूँ। हमारे जितेंद्र माधव भैया विधायक जी, यदि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो, तो काफी आपने आराम कर लिया है, इस कार्यक्रम में आप आए, आपका स्वागत है, आवाज तो पहुंच गई होगी, ऐसा ना हो हमारे सज्जन भैया लोगों को घर तक आना पड़े। हाँ, और क्या, क्योंकि आपके बगैर अभी यहाँ पर बहुत सुना सुना लग रहा है, सुना तो कई लोगों के बगैर है, कई लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आइए सुनेगा, उनका भी आगमन हो जाएगा, निवेदन मैं कर रही हूँ, प्रयास से मेरी ओर से। आदरणीय कल्पना जी, केवल प्रयास कर रही हूँ आपके गीत का मैं। उत्पत्ति में दिखा रही हूँ, आपने तीन देवियों की भी उत्पत्ति दिखाई है, तो बस उसी अनुसार मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि शायद कुछ चीजों की उत्पत्ति हो जाए और होम भी ना हो। जैसे अरे ब्रह्मा की शक्ति से प्रकटा, भैया जी प्रयास करिए, जवाब सुनेगा, क्योंकि कल्पना जी का गीत है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म की शक्ति से प्रकट हो यही जो पाया, ब्रह्म की शक्ति से प्रकट यही जो ओ पाया, अरे सारे भूमंडल में है ओम, ये व्योम जहाँ है वही रहेगा, जो जहाँ है वो वही रहेगा, काल को तो जीत सकते हैं लेकिन ओ और सोम को नहीं जीत सकते भैया जी, इसीलिए काल को जीत सकते। अरे
और धरा और नभमंडल में धरा और नभमंडल में रहेगा ओम बाकी। शाबाश शाबाश। क्या बात है, कोई जीत पाया है और ना कोई जीत पाएगा। कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, क्योंकि बना था, बना है और बना रहेगा। कौन ये ओ? आइए दूसरी बात देखिएगा, ये ओ से उत्पत्ति हुई है किसकी, और शिव की उत्पत्ति शिव से किसकी हुई है। आपने तीन शक्तियां ली मैंने, और पांच शक्तियां ली हैं। पांच शक्ति कैसे, शिव की जो पराशक्ति है। अगली बात सुनेगा, शिव की जो पराशक्ति है उससे एक शक्ति पाई। कैसे, चिचित शक्ति भी से है, चिचित शक्ति से भी है आनंद शक्ति पाई। शाबाश। अब पांच शक्तियां मिली हैं भैया जी, कौन कौन सी, कौन कौन सी, क्योंकि जवाब की जवाबी होती है। आपने तीन शक्तियां दिखाई हैं, मैं पांच शक्तियां दिखा रही हूँ। चित्त शक्ति से आनंद शक्ति, आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति, और पांचवी है क्रिया शक्ति। ये पांच शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कहना पड़ा पुण्य तो पुण्य रहेगा, पुण्य तो पुण्य रहेगा, रहेगा भी लोग बाकी, धरा और भूमंडल में रहेगा। और धरा और से जो कल्पना जी की ओर से बड़ा ही सुंदर सा गीत आया उसका मैंने प्रयास किया। कुछ आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार आए हैं भैया श्री, हमारे अभिनंदन हमारे भैया आदरणीय सम्मानित श्री अवधेश सिंह भैया जी की ओर से ये 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। आप श्री ननकौ सिंह सेंगर भैया सैरापुर, आपकी ओर से 100 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप श्री दिनेश कुमार तिवारी भैया महाराजगंज हमारे भतीजे हैं, आपका भी आगमन इस कार्यक्रम में हुआ है, मंच के द्वारा मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। हमारे भैया की ओर से ये 100 रुपए आए हैं, कुछ कुछ धन्यवाद है, धन्यवाद है। आप हैं श्री पांडे स्वीट एंड नमकीन मूसापुर भैया राहुल पांडे जी की ओर से 100 रुपए आए हैं, धन्यवाद है। आप हैं बजरंग बहादुर सिंह उर्फ बचौवा फौजी संरक्षक जय माँ दुर्गा समिति शेरापुर, आपकी ओर से भी ये 100 रुपए का आशीर्वाद आया है, भैया को धन्यवाद है। आप हैं श्री मनीष गोस्वामी भैया पंजाब पुलिस, ये 100 रुपए हमारे साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं श्री नारायण जी के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है, धन्यवाद। शाबाश बेटा। आप हैं भैया श्री बुलबुल सिंह भैया रासी गांव, आपकी ओर से ये 1001 रुपए का आशीर्वाद आया, एक बार जोरदार ताली हमारे भैया जी के लिए लगा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 1001 रुपए का आशीर्वाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है। आप श्री सुरेश बहादुर सिंह भैया उर्फ लल्लू सिंह भैया जय माँ दुर्गा समिति शेरापुर, आपकी ओर से 101 रुपए आए हैं, कोटि कोटि धन्यवाद है। आप श्री कल्लू प्रधान भैया लखनगांव, आपकी ओर से ये 200 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए अभी
लिए मेरी ओर से प्रथम चक्र शुरू हो रहा है, यानी सवाल के अनुसार, यानी सवाल रूपी गीत के लिए। पुरस्कार बोल दे बेटा। आप हैं श्री लक्ष्मी शंकर गुप्ता भैया कोटेदार शरापुर, आपकी ओर से 101 रुपए। आप हैं दुर्गा पूजा समिति शरापुर भैया श्री राम बहादुर पाल भैया मास्टर साहब जी, आपकी ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। कोटि कोटि धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या, यही तो इस मंच की खासियत है। बिल्कुल।